नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। तुलसी के पौधे को किस तरह से हम सालों साल तक बचा के रख सकते हैं, उसको घना सुंदर बना सकते हैं। मेरी बालकनी में, मैंने छोटी सी बालकनी में 8-10 पौधे तुलसी के लगाए हुए हैं। दोस्तों, जब पौधों पर फूल खिलते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। अब जैसे ये पड़चूल का है मेरी, तो ये मैंने लगाई थी इन गमलों में, तो ये जाल के बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से सारे फूल बाहर की तरफ ही खिल रहे हैं। मैं देख नहीं पाती हूँ इनको, एक दो फूल ही मुझे दिखता है, बहुत सारे फूल लटके हुए हैं नीचे। तो कम जगह में ये नुकसान भी है, क्योंकि मुझे देखना अच्छा लगता है तो मुझे तो दिखते ही नहीं है, बाहर निकल गए हैं सारे। बहुत ही सुंदर येलो कलर के फूल खिले हैं। और ये जो हमारी मधुमालती है, इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू है फूलों में, तो बहुत सारे मधुमालती के फूल भी इस टाइम खिल रहे हैं। तो तुलसी का पौधा एक ऐसा ख़ास पौधा है जिसको हमें अपने बालकनी में, अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, सभी लगाते हैं। तो मेरा जो ये तुलसी के प्लांट हैं, मेरे बीज से बहुत सारे प्लांट उग भी रहे हैं, उगते रहते हैं, तो बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। तो जगह जगह आप लगा के एक छोटी सी बगिया तुलसी की बना सकते हैं, जहां आप थोड़ी देर भी खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी सुगंध आएगी, बहुत अच्छी आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। तो आप तुलसी के प्लांट्स खूब सारे लगाइए, और इसके कितने लाभ हैं वो हम सभी को पता है। तो जगह मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो एक ही जगह मैंने ये बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो जो मेरा एक मेन गमला है तुलसी का, उसमें मैंने 4-5 पौधे लगाए हैं, और ये 3-4 पौधे मैंने यहाँ पर अलग लगा रखे हैं। इनमें बहुत सारे बीज आए हैं जो मैंने अभी हटाए नहीं थे, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो बीज से बहुत सारे नए पौधे भी बनते हैं, और इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी किया जाता है, इनके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। तो इस तरह से जब बीज सूख जाते हैं तो तोड़कर मैं किसी भी गमले में डाल देती हूँ। जब बीज सूख जाएँ तो इनको आप तोड़ के किसी भी गमले में या फिर उसी तुलसी गमले में डाल दीजिए, तो आपके बहुत सारे पौधे आपको पता भी नहीं चलेगा और उग जाएंगे। फिर आप जब थोड़े बड़े हो जाएँ उनको अलग करके कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर आप बीज चाहिए ही नहीं आपको, तो आप रेगुलर इनकी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहिए, ताकि बीज इन पर ना बने, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती रहेगी। तो ये आपके ऊपर है, बीज वैसे बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा पौधे हमारे उगते रहें। इसके अलावा तुलसी के पौधे को हमेशा थोड़ी सी सनलाइट ज़रूर चाहिए, तभी वो अच्छा ग्रो करेगा। अभी तो मेरे यहाँ तो बहुत ही कम सनलाइट आ रही है कुछ महीनों से, तो लाइट तो अच्छी चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट होगी तो ही तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप हमेशा इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ इसको 1-2 घंटे, 2-4 घंटे सनलाइट जरूर मिले। इसको पूरे दिन भी सनलाइट में हम लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अच्छा सनलाइट का पौधा है, अगर सनलाइट में रहता है तो काफ़ी घना और सुंदर हो जाता है। तुलसी का पौधा जितना पुराना होता जाता है, उतना ही ये मजबूत और सुंदर बनता जाता है। तो कभी भी जब ये पुराना हो जाए, पत्तियाँ इसकी झड़ जाएँ, तो आप ये ना सोचें कि ये ख़राब हो गया, हमेशा ये थोड़ा हरा रहेगा। और अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो फिर से इस पर दोबारा से पत्तियाँ आ जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा घना पौधा बन जाता है। ये देखिए, ये श्यामा तुलसी है, तो इसमें 2 प्लांट ये श्यामा तुलसी के भी हैं, और कुछ ये रामा तुलसी है। तो ये तुलसी के भी अलग अलग पत्तियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की तुलसी होती हैं, तो आप जो चाहे लगाइए, लेकिन सबका लाभ बराबर है। और जो भी सूखी ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर दीजिए। कभी कभी ऐसे लगता है ऐसे पौधा सूख गया हो, लेकिन तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, नीचे से हरा रहेगा, बहुत ही जल्दी उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। तो जो सूखी सूखी ब्रांचेस होती हैं उनको कट करके पौधे को अच्छे से खाद देकर अच्छी धूप वाली जगह में रख दीजिए, वो फिर से हरा होकर उसमें खूब सारी पत्तियाँ आ जाएंगी। तो जितना पुराना होता है पौधा, उतना ही मजबूत और सुंदर बनता है, उस पर उतनी घनी और ज़्यादा ब्रांचेस और पत्तियाँ होती हैं। तुलसी के पौधे को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, महीने में एक बार आप थोड़ी सी राख तुलसी में ज़रूर डालिए। जो हवन वगैरह की राख होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जलती नहीं है या फिर थोड़ी आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं डालनी चाहिए, तो उनको आप छोड़ दीजिए। और जो राख रहती है बिल्कुल बारीक, वो आप यूज़ करिए। तुलसी के प्लांट में आप थोड़ी थोड़ी राख डाल दीजिए, और पत्तियों पर थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दीजिए। इससे ना ही तो तुलसी के पौधे में फंगस की प्रॉब्लम होगी, और ना ही पत्तियों पर कीड़ा लगेगा। और ये हवन की राख है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसको तुलसी पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप स्पेशली भी थोड़ा सा कुछ लकड़ी या फिर उपले लेकर
राख बना सकते हैं हवन कुंड में थोड़ा सा जला के, और इसको अपने प्लांट्स पर छिड़किए और थोड़ा सा मिट्टी में डालिए। आप देखिए आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और तुलसी जी के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसका यूज़ महीने में एक बार अपने तुलसी के प्लांट्स पर इस तरह से कीजिए, छोटे गमले में सिर्फ एक चम्मच, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें तो बहुत ही बढ़िया तुलसी प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी और बहुत सारे पौधे नए भी ग्रो होते रहेंगे। तो इसी तरह से आप भी अपनी छोटी सी बालकनी में तुलसी की छोटी सी बगिया बना सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।